एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इस टाइम पे प्रेम नगर के ब्यूटी एंड फैशन सलून में हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपना रूट टचअप वगैरह नहीं लिया था। मैं रेगुलरली लेती हूँ क्योंकि हेयर काफ़ी ग्रे कलर के हो रखे हैं, तो इस टाइम आज मैंने सोचा कि मैं अपना ये रूट टचअप ले लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं हूँ फैशन ब्यूटी प्रोफेशनल सलून में। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड में आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ का स्टाफ और यहाँ पे जो इस टाइम क्लाइंट आए हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं और मैं भी आज यहाँ की क्लाइंट हूँ। तो आज मैं अपना हेयर टचअप कराने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ तो आई होप मैं सेटिस्फाई होके ही जाऊँ यहाँ से। तो देखते हैं आगे कैसा इनका वर्क रहता है। तो एंड तक इस वीडियो में आप सब बने रहिएगा। पहले वॉश नहीं करेंगे आप? वॉश नहीं करेंगे? नहीं, इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे मैं पहले से आता ना, हाँ, तब उसमें ड्राई रखा देते हैं, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ना। हाँ जी, तो मैं जब भी कराती पहले वॉश ही करते हैं वो, इसलिए कभी पूछा मैंने। आपका नाम? काजल। काजल मैम जो है मेरे बालों में ब्राउन कलर का शेड यूज़ कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी मैं ब्राउन कलर ही यूज़ करती थी अपने बालों में, तो वही मैंने रिपीट कराया है रूट टचअप के लिए। अभी मेरा जो फ्रंट एरिया है वो पूरा कलर हो चुका है, बैक साइड अभी बाकी रह गया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद इससे करीबन 30 मिनट तक तो रखा ही जाएगा। तो आज मेरा काफ़ी टाइम सलून में बीतने वाला है। अब मेरे बालों में सेकंड लेयर कलर की लग रही है, कुछ अगर बीच में छूट गया होंगे तो वो भी कलर हो जाएंगे। तो ये सेकंड राउंड चल रहा है कलर लगाने का और काजल मैम ने काफ़ी अच्छे से कलर कर रखा है बालों में, दिख रहा होगा आपको। मेरे बालों में कलर हो चुका है और ये कम से कम 30 मिनट तक तो रखा ही जाएगा। तो 30 मिनट तक क्या किया जाए, तो चलिए मैं आपको ये सलून दिखा देती हूँ कैसा है अंदर से। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी बेबी की हेयर कटिंग हो रही है और यहाँ पे एक बॉय है, उनका हेयर कट हो रहा है। काफ़ी बड़ा सलून है ये। आप अगर प्रेम नगर साइड रहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। फ्रेंड्स, 30 मिनट हो गए कंप्लीट और अब मेरे हेयर वॉश हो गए। कहाँ पे बैठे साइड? यहाँ बैठ के अब मैं करती हूँ अपने हेयर वॉश, करवाती हूँ। Thank you.
सुखाया जाएगा, फिर देखते हैं कैसा कलर आता है मेरे बालों में। काफ़ी दिनों बाद मैं अपने बालों में रूट टचअप दे रही हूँ, तो अब देखते हैं। जितने भी रूट वाइट हो रखे थे वो सब कलर हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे अपने हेयर। सो फ्रेंड्स, मेरा हेयर कलर हुआ कंप्लीट, मेरा रूट टचअप हो चुका है, और ये जो पीछे मैम बैठी हैं इन्होंने मेरा पूरा वह काम किया बालों पे, और काफ़ी अच्छा से काम किया इन्होंने, अच्छे से ट्रीट किया मेरे को, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और अब मैं अपना घर के लिए निकलती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।